रेवाड़ी में वन वे होने से जहां इस मार्ग पर वाहन सरपट दौड़ते नजर आए, वहीं हॉर्न की ध्वनियों से भी निजात मिली है। इस मार्ग के हर चौराहों पर पुलिस मुस्तैद रही और वाहन चालकों को सही मार्ग से जाने की अपील की। गौरतलब है कि शहर का सर्कुलर रोड जो शहर को चारों ओर से जोड़ता है, इस मार्ग पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार आते हैं। वहीं ये मार्ग रेवाड़ी को दिल्ली, रोहतक, महेंद्रगढ़, नारनौल और राजस्थान से जोड़ता है। हर रोज हजारों की संख्या में वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने इस मार्ग को वन वे में तब्दील कर दिया है। सर, मैं सबसे पहले एसपी साहब का धन्यवाद करूंगा, डीसी साहब का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने वन वे स्टार्ट किया है। और एसपी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि जो वन वे चालू हुआ है उससे बहुत राहत मिली है, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली निवेदन करूंगा कि कहीं डीसी साहब से मिलके शहर में एक थोड़ी सी पार्किंग की जगह जरूर की जाए, जिससे आम पब्लिक को थोड़ी राहत मिले। ठीक है, वन वे चलता रहेगा, बिगर पार्किंग के फिर भी काम ही चलेगा। एक दूसरा, सर्कुलर रोड पे जितने भी बैंक है, जितने भी स्कूल है, उनसे एक बार नोटिस दे दें कि भाई आप बाहर मतलब अपना व्हीकल खड़ा ना करें। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार के आदेश अनुसार इसमें हमें बहुत कामयाबी मिली है। कल से हम देख रहे हैं बहुत चारों तरफ, पहले जाम लगा रहता था, लेकिन मैंने अब दो दिन में देखा है बिल्कुल जाम की स्थिति खत्म है और जनता का सहयोग भी पूरा मिल रहा है हमें। इसी बात को देखते हुए मेरे खुशी है कि लोग अब जाम के अंदर कहीं भी खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि बिल्कुल वन वे बहुत ही कामयाब हुआ है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये वैसे तो अपना सिर्फ ट्रायल के बेस पे था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमें पूर्ण रूप से लागू करना पड़ेगा। रेवाड़ी की लाइफलाइन कहे जाने वाले सर्कुलर रोड पर जहाँ लोगों को जाम जैसी समस्या से दो चार होना पड़ता था, वहीं अब जिला प्रशासन द्वारा इसे वन वे करके लोगों को राहत दिलाने का काम किया है। पब्लिक की माने तो उनका कहना है कि अगर नगर परिषद द्वारा यहाँ पर पार्किंग की सुविधा और करा दी जाए तो इससे पूर्ण जाम से पूर्ण रूप से राहत मिल जाएगी। रेवाड़ी से नवीन शर्मा।